characteristics of authoritative parenting style. Let's talk about it. ये वो parenting style है जिसमें दोनों mutual understanding से चलते हैं, जिसमें democratic कह लें approach होती है, कि जिसमें बच्चे की राय का एहतराम किया जाता है, बच्चे को बताया, बच्चे से पूछा जाता है कि अगर आपने ये profession या subjects हम आपको लेकर subjects अगर रखने हैं तो अगर आप इसमें interested हैं, आपका career कैसा है, वो खाने बच्चे की पसंद नापसंद का ख्याल रखते हैं, चाहे वो खाना हो, चाहे उसके कपड़े पहनने के स्टाइल हो, चाहे उसका प्रोफेशनल कैरियर हो. हाई एक्सपेक्टेशंस, ये पेरेंट्स जो हैं बड़ा अच्छा डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, इन्होंने एक रूल्स बनाए होते हैं और उसको बड़ी स्ट्रिक्टली फॉलो करवाते हैं, बच्चे को बताते हैं बाउंड्रीज का, what are the emotional boundaries, what are the physical boundaries, what are your mental boundaries, usko haram aur halal ka farak samjhate hain, usko sahi aur galat ka farak samjhate hain, uske liye rules batate hain, ji agar rule banaya hai maghrib ke baad ghar se bahar nahi rehna to usko follow karwate hain, usme koi compromise nahi karte. Clear standards hote hain kya karna hai aur kya nahi karna, bacche ko bhi pata hota hai, parents ko bhi pata hota hai ki humne kya karna hai aur humne kya नहीं करना है. डेमोक्रेटिक अप्रोच होती है, रूल जरूर बनाते हैं लेकिन सम बाज़ुकात ये रूल्स को फ्लेक्सिबल कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल बच्चे को इजाज़त नहीं है मगरिब के टाइम बाहर जाने की, लेकिन दो या तीन माह बाद अगर बच्चे की कोई दोस्त की तरफ पार्टी है या बर्थडे पार्टी है या कोई डिनर के लिए बाहर जा रहे हैं तो इसको इजाज़त दे देते हैं, क्योंकि जब बच्चे बढ़ती हुई उम्र में होते हैं, जब छोटे बच्चे होते हैं उनको पालने का स्टाइल और होता है, जब बच्चे बढ़ती हुई उम्र में होते हैं उनको पालने का स्टाइल और होता है, उनकी तबीयत का स्टाइल डिफरेंट है ना, वो बच्चे आजकल के वैसे रहे ना वो पेरेंट्स आजकल के वैसे रहे, चेंज हो गया सारा सिनेरियो. फ्लेक्सिबल होते हैं, अपने रूल्स को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने पढ़ना है, आपके पढ़ने का टाइम है, बच्चा कहता है कि जी आजकल वर्ल्ड कप हो रहा है, मैचेस हो रहे हैं, तो बच्चे कहते हैं मैच देखने के बाद मैं पढ़ लूंगा, फिर वो उसको जब हम देखने की इजाजत दे देते हैं मैच, देखें आप मैच, लेकिन उसके बाद उसको लेकर बैठते हैं कि जी बेटा अब ये पढ़ने का टाइम है. रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मींस दो तरफा, बच्चे से जब रूल्स बनाते हैं तो बच्चे से पूछते हैं बेटा ये रूल्स हैं, ये इस वजह से बनाए हैं और इसका आपको क्या फायदा और क्या नुकसान हो सकता है. उमूमन जो रूल्स पेरेंट्स ऐसे बनाते हैं वो फायदे के लिए बनाते हैं, हाँ बच्चा ये कह सकता है कि इसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी कर दें, अगर पेरेंट्स कहते हैं नहीं यू हैव टू कम बिफोर 5 o'clock तो बच्चा ये कह सकता है कि 6 o'clock कर दें, बच्चे की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को लेकर ही चीज़ें आगे बढ़ती हैं. इस तरह के बच्चे की हाई सेल्फ स्टीम होती है, क्योंकि पेरेंट्स इनकी राय को बहुत अहमियत देते हैं, तो बच्चे को पता होता है जो मैंने फैसला किया है वो बहुत सही है, तो उनकी क्या होती है हाई सेल्फ स्टीम होती है, डेफिनेटली फिर हाई क्वालिटी कॉन्फिडेंट होते हैं वो, जब हाईली कॉन्फिडेंट होते हैं ना सिर्फ प्रोफेशनली बल्कि पर्सनली वो सक्सेसफुल होते हैं. असर्टिव, असर्टिव का आइडिया व्हाट इज द असर्टिवनेस, असर्टिवनेस की बाउंड्री सेट कर दी जाए और आपको यू हैव टू फॉलो दैम, आपको पता असर्टिवनेस का एक मतलब ये भी यू हैव टू लर्न हाउ टू से नो, आपको पता हो अपने बच्चों में असर्टिवनेस का बिहेवियर जरूर पैदा करें, खासतौर पर जो आजकल का सेटअप है, लिमिट्स का आइडिया हो, पहले आप लिमिट्स का आइडिया दें बेटा ये आपकी बाउंड्रीज हैं, ये आपकी लिमिट्स हैं, यू डोंट क्रॉस देम, आप इनको किसी सूरत भी क्रॉस नहीं कर सकते, ये जो है जो बाउंड्री सेट हम करते हैं ये असर्टिव बिहेवियर डिवेलप कर देते हैं, बच्चे को पता होता है, क्योंकि सम टाइम जब बच्चे बढ़ती हुई उम्र में होते हैं तो होता क्या है कि वो दोस्तों को ना नहीं कर पाते, वो आगे हम डिस्कस करेंगे, जब बच्चों को ना वो पेरेंट्स खासकर वो जो बढ़ती उम्र के बच्चे जब वो ना नहीं कर पाते तो कौन कौन से साइड इफेक्ट्स आते हैं, कौन कौन से बच्चे की शख्सियत में बिगाड़ पैदा करते हैं. ट्रस्ट फीलिंग्स होती है इनमें, ये ट्रस्ट करते हैं क्योंकि पेरेंट्स ने इन पर ट्रस्ट किया होता है, तो ये इनके अंदर ट्रस्ट, लोगों पे ट्रस्ट करने का, जो काम करते हैं उस पर ट्रस्ट होता है कि हम ये काम है तो ये हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं. सेल्फ कंट्रोल, इनको अपने इमोशंस पे बड़ा अच्छा कंट्रोल होता है, किस मौके पे कहाँ बिहेवियर शो करना है, कितना बोलना है कितना नहीं बोलना. आपने देखा कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं
जिनके बच्चों को पता ही नहीं होता किस टाइम पे क्या बात करनी है, वो बच्चा समझते हैं जी बच्चे हैं, लेकिन वो बच्चे नहीं होते। बच्चे का जो लर्निंग का जो एक साल से सात साल तक सीखता है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है बनिस्बत जो सात साल के बाद वो सीखता है। हम उस टाइम कहते हैं ये सीख जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। हम बाउंड्रीज सेट करना, उनको डिसिप्लिन करना भूल जाते हैं। फ्लेक्सिबल स्ट्रबन नहीं होते ये बच्चे। स्ट्रबन क्यों नहीं होते? क्योंकि इनके पेरेंट्स स्ट्रबन नहीं होते। पेरेंट्स इनसे फ्लेक्सिबल रवैया अख्तियार किए होते हैं। तो पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों के अंदर यही चीज़ डेवलप, बच्चों को पता होता है कि जी मैंने भी कहीं ना कहीं अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है। बहुत सारे पेरेंट्स को मैंने देखे जो आते हैं मेरे पास, वो ये कहते हैं जी हमारा बच्चा ज़िद्दी बहुत है, बहुत ज़िद्द करता है, अड़ता तो फिर अड़ ही जाता है, मानता ही नहीं है। अच्छा, बच्चे की जब उम्र पूछेंगे ना, 3 साल 4 साल, होता क्या है ख़ास तौर पर अनफॉर्चुनेटली जो हमारा ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, माँ मना करती है दादी इजाज़त दे देती है। ये औरतों में सबसे बड़ा जो बच्चों में काउंसलिंग के लिए आते हैं ना, कहते हैं हम क्या करें, हम तो मना करते हैं, हम तो बताते, दादी कहते हमने भी बच्चे पाले, तुमने कोई ख़ास नहीं पालने आपको, क्योंकि ये बच्चा आपका है, आपको ये बाउंड्री सेट करनी ही है। क्योंकि डेफिनेटली इसका असर ना सिर्फ आपके बच्चे पे पड़ेगा बल्कि आपके अपनी लाइफ पे भी पड़ेगा। रिस्पॉन्सिव होते हैं, अपने चीज़ों की जिम्मेदारी महसूस करते हैं, उन्हें पता होता है क्या हमने करना है, हमने क्या नहीं करना, स्कूल के होमवर्क करने हैं, किस टाइम हमने खेलने जाना है, ये सारी चीज़ें इनमें प्रैक्टिस पाई जाती हैं। एम्पैथेटिक होते हैं, एम्पैथेटिक मीन्स रहम दिल होते हैं, काइंड होते हैं, इनको पता होता है कि हमने दूसरों के साथ मोहब्बत से और शफकत से पेश आना है, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने ये बिहेवियर उनके साथ रखा होता है। लर्निंग बिहेवियर होता है इनका, ये सीखते हैं, क्योंकि इनके पेरेंट्स जब वो गलती करते हैं तो वो उनके पेरेंट्स उनको समझाते हैं तो वो सीखते हैं। इनका लर्निंग एबिलिटीज डिवेल्प बहुत होती हैं, उनको गाइडेंस मिलती है, उनके पेरेंट्स को बताते हैं कि जी पढ़ना कितना ज़रूरी है, क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी, गलतियों से क्या सबक हासिल करना है। तो होता क्या कि बच्चों में यही मैं जो रवैया है वो डेवलप आ जाता है। हाई एकेडमिक अचीवमेंट्स, इनकी हाई एकेडमिक अचीवमेंट्स की वजह क्या होती है? सब्जेक्ट्स उनकी अपनी चॉइस के होते हैं। सर कासिम अक्सर पैशन इस प्रोफेशन में अपनी बात करते हैं, एक्सीलेंस में वही चाहता है जिसका प्रोफेशन उसका पैशन हो। जो लोग बहुत तरक्की करते हैं वो अपने काम को इंजॉय करते हैं, उनके लिए एक पैशन होता है, तो उस पर काम भी ज़्यादा करते हैं, वो लर्निंग भी ज़्यादा करते हैं, उस पर उसको नई जदीद रिसर्चेस भी बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, क्योंकि उस काम में उनको मज़ा आ रहा होता है। ये बच्चे क्योंकि इनके पेरेंट्स इनसे मशवरा किया होता है ऑलरेडी कि कौन सा प्रोफेशन आपने लेना है, क्योंकि उनके प्रोफेशन से रिलेटेड काम होता है तो वो काम उसको इंजॉय करते हैं और वो पढ़ते हैं।